साधु बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग तपन बुझावे और की दे दे अपनो रंग। संत जन बड़े परोपकारी होते हैं, उनके अंग विचार शीतल होते हैं, अपना ज्ञान रंग चढ़ा चढ़ाकर अन्य के तपन को शांत करते हैं। आवत साधु न हर किया जात न दिया रोए, कहे कबीर वा दास की मुक्ति कहाँ से हुए। संतों के आते देखकर जो हर्षाय मान नहीं हुआ और उनको जाते हुए देखकर प्रेम से विहिल होकर रो नहीं दिया। गुरु कबीर कहते हैं कि उस भक्त की मुक्ति कैसे होगी। छाजन भोजन प्रीति सो दीजे साधु बुलाए, जीवत जस है जगत में अंत परम पद पाए। संतों को सादर बुलाकर उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन बस्तादिर दो, ऐसा करने से जीते तक जगत में आपका श्रेयस होगा और अंत में श्रेष्ठ पद मिलेगा, मतलब कल्याण होगा। सर्वर तरवर संत जन चौथा बरसे मेह, परमारथ के कारणे चारों धारी देह। सरोवर वृक्ष संत जन एवं चौथा मेह का बरसना ये चारों परोपकार के लिए ही प्रकट है। सरोवर वृक्ष एवं बादल तो जड़ हैं, संतों की परोपकारिता में किसी का पटतर नहीं हो सकता। बिरछा कबू न फल भके नदी न अचवे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी फल नहीं खाते, नदी कभी जल नहीं पीती, इसी प्रकार परोपकार के लिए ही संतों ने साधु शरीर वेश धारण किया है। सुख देवे दुख को हरें, दूर करें अपराध, कहें कबीर बह कब मिले परम स्नेही साध। सुख देते हैं, दुखों को हरण कर लेते हैं एवं पाप को दूर कर देते हैं, ऐसे परम प्रेमास्पद संत जन कहाँ कब मिलेंगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। संतों की शारीरिक जाति मत पूछिए, उनसे ज्ञान की बातें पूछ लीजिए, तलवार का मोल तोल करो म्यान को पड़े रहने दो। कहे आकाश को फेर है, कहे धरती को तोल, कहा साधु की जाति है कहे पारस का मोल। आकाश की सीमा कहाँ है, पृथ्वी की तौल कहाँ है, साधु की जाति कहाँ है और पारस पत्थर का मूल्य कहाँ है। साधुन की झुपड़ी भली ना साकट को गांव, चंदन की कुटकी भली ना बबूल बन राव। संतों की झोपड़ी अच्छी है परंतु साकट का ग्राम नहीं अच्छा, चंदन का टुकड़ा अच्छा है परंतु बबूल का जंगल नहीं अच्छा। हैवर गैवर सधन धन छत्रपति की नारी, तासु पटतरा ना तुले हरिजन की पनिहारी। बहुत बहुत उत्तम घोड़े एवं मकान से संपन्न छत्रपति भूपति की महारानी हो, परंतु वह हरि भक्तों की पनिहारिन के समान नहीं हो सकती। क्यों नृप नारी नंदिए पनिहारी को मान, वह मांग सबारे पी बहित नित भय सुमिरे राम। राजनानी की निंदा एवं संतों की पनिहारिन की प्रशंसा क्यों की गई, इसलिए कि रानी तो नित्य श्रृंगार करती है राजा को प्रसन्न करने के लिए और संत सेविका अविनाशी राम का स्मरण करती है। तीर्थ नहाए एक फल, साधु मिले चार फल, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थों में स्नान करने से केवल शरीर की शुद्धि होती है, परंतु संतों के सत्संग से अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष चारों फल मिलते हैं, किंतु सतगुरु के मिलने पर अनेकों फलों की प्राप्ति होती है, गुरु कबीर विचार कर कहते हैं। साधु सिद्ध बहु अंतरा, साधु मता प्रचंड, सिद्ध जो तारे आपको साधु तारी नौ खंड। संत और सिद्ध में बड़ा अंतर है, जिसमें संत का मत ही अत्यंत श्रेष्ठ है। सिद्ध तो केवल अपना ही कल्याण करता है, परंतु संत जन पूरे विश्व का उद्धार करते हैं। जा सुख को मुनिवर रटे सुर नर करे बिलाप, जो सुख सहीजे पाइया संतो संगति आप। जिस मुक्ति के असीम सुख के लिए श्रेष्ठ मुनिजन रात दिन नाना कल्पित नाम रटते एवं सुर नर मुनि रुदन करते हैं, वह सुख आप संतों की संगत में सरल रूप से पा जाएंगे। कभी शीतल जल नहीं हिमना शीतल होए,
कबीर शीतल संत जन राम सने ही सोए। कबीर गुरु कहते हैं कि वैसा शीतल जल नहीं होता है और ना बर्फ ही शीतल होती है। वास्तव में स्वरूप राम के प्रेमी संत जन ही शीतल होते हैं। संत मिले जन बिछरो, बिछरो यह मम प्राण, शब्द स्ने ही ना मिले प्राण देह में आन। ये मेरे प्राण तुम चाहे बिछुड़ जाओ, परंतु मिले हुए विवेकी संत जन ना बिछुड़ें, क्योंकि निर्णय वचनों के प्रेमी संत कौन जाने पुनः ना मिलेंगे। और कर्म वासना शेष रहने पर देह धारण कर उसमें प्राण आएगा ही। कोटि कोटि तीर्थ करें, कोटि कोटि करु धाम, जब लग साधु न सेवई तब लगा काचा काम। करोड़ों करोड़ों तीर्थ करो और करोड़ों करोड़ों धाम करो, परंतु जब तक विवेकी संतों की सेवा ना करोगे तब तक मुक्ति का सब काम कच्चा है। आशा बासा संत का ब्रह्म्या लखे न वेद, पट दर्शन खटपट करे बिरला पावे भेद। संतों के हृदय की उच्च स्थिति का भेद ब्रह्म्या और वेद भी जानते हैं। योगी जन्मादि शत दर्शनी तो खटपट प्रपंच में पड़े हैं, बिरला ही संतों का रहस्य जानता है। वेद थके ब्रह्मा थके था के शेष महेश, गीता हूँ की गत नहीं संत किया प्रवेश। विवेकी संत ऐसे उच्च स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं जिसको व्यक्ति प्रकाशित करने में वेद ब्रह्मा शेष महेश सब थक गए और गीता भी बता नहीं पाई। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाही, पान फूल छेड़े नहीं बसे बगीचा माही। जैसे कोई बगीचा में रहकर भी पत्ते फूल न तोड़े, वैसा साधु को अपनी ऐसी रहनी बनानी चाहिए कि वह दूसरे की उल्टी क्रिया एवं दुर्वचन में ना स्वयं दुखित हो और ना दूसरे को किंचित मात्र दुखी करें।